Hello everyone, myself Sandeepan Chauhan, I welcome you all in Anvira Online School. Last video में हमने 9th class का chapter 2nd जो कि polynomial से related है उसकी exercise 2.2 के first and second question करा था. आज हम third question and fourth question करेंगे. तो चलिए start करते हैं आज का video. जो exercise 2.2 का third question है वो मैं लिख दे रहा हूँ. थर्ड क्वेश्चन कहता है, थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, द फॉलोइंग आर जीरोस of the polynomial indicate against them. क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि verify whether the following are zeros of the polynomial. जो following दे रखे हैं वो polynomials के zero है या नहीं है, ये अपन को verify करना है कि ये zeros हैं. Indicate against them, ठीक है, तो ये अपन को indicate करना है कि ये इसके zeros हैं. तो जो इसका first question है book के अंदर वो क्या दे रखा है, first question दे रखा है px is equal to 3x plus 1 और यहां पे x की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 1/3, ठीक है. तो ये बुक के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, इसमें बोला गया है कि px की वैल्यू पॉलिनोमियल जो अपना है वो है 3x plus 1 एंड x की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस 1/3, और अपन को प्रूफ करना है कि ये जो वैल्यू है इसका जीरोस है या नहीं है, ठीक है. एक्चुअली अपन को वेरीफाई करना है कि जीरोस ये है, जीरोस तो है ही. तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे. किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस क्या होते हैं, मैंने बताया था जीरोस वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो. तो अगर ये वेरिएबल की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करें और इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाए तो इसका मतलब ये इसका जीरोस है, और अगर ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल में पुट करने से इसकी वैल्यू जीरो नहीं होती तो ये इसका जीरोस नहीं होगा. तो चलिए अपन करके देखते हैं इसको. पी एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस 1, ये अपना पॉलिनोमियल हो गया. अब x की वैल्यू माइनस 1/3 पुट करेंगे एट x इज इक्वल टू माइनस 1/3. जब x की वैल्यू माइनस 1/3 पुट करेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x की जगह माइनस का 1/3, p एट माइनस 1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स है तो इंटू माइनस 1/3, ठीक है. x की जगह अपन ने माइनस 1/3 लिख दिया और प्लस का 1. तो यहां अपन देखेंगे p माइनस 1/3 इज इक्वल टू, अब देखो 3 इंटू माइनस 1/3 है, ठीक है, 3 के अपॉन में कुछ नहीं है तो इसके अपॉन में अपन 1 मान सकते हैं जिसके अपॉन में कुछ नहीं होता. तो अपन देख रहे हैं ये अपने पास दो फ्रैक्शन हो गई, 3 अपॉन 1 और 1/3, ठीक है. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास क्या बचेगा, ओनली माइनस का 1, ठीक है. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो अपने पास बचेगा माइनस का 1. तो यहां मैं लिख दूं माइनस का 1 और ये हो गया प्लस 1, ठीक है. तो p माइनस 1/3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, प्लस के 1 में माइनस का 1 ऐड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, जीरो आंसर आएगा, ठीक है. प्लस का 1 और माइनस का 1 जब ऐड कर लिया तो इसका आंसर आ जाएगा जीरो. तो जब p की वैल्यू पॉलिनोमियल की वैल्यू अगर जीरो आ गई इस वेरिएबल पे, इसका मतलब ये वेरिएबल इसका क्या है, जीरोस है. अपन को यही वेरीफाई करना था
कि ये वेरिएबल इसका जीरोस है या नहीं है। तो अपन ने वेरीफाई कर दिया कि इसकी वैल्यू इस वेरिएबल पे जीरो आ रही है, इसका मतलब ये इसका जीरोस है। सो इसको ऐसे लिख दो और इसके नीचे लाइन लिख देना, सो दिस इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। मैंने बताया था जीरोस क्या होते हैं कि वेरिएबल की वह वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है। तो इस वेरिएबल की वैल्यू पे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ गई, इसका मतलब सो दिस इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोस है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, वेरीफाई करना था अपन को। सेकंड देखो, ऐसे जब क्वेश्चन आ जाए कि अपन को बोल दिया कि वेरीफाई करो, तो वेरीफाई करने में क्या है, इसका मतलब अपन को पता है कि इसकी वैल्यू तो जीरो आनी ही है। अगर इसकी वैल्यू जीरो नहीं आती है एंड में, इसका मतलब अपना क्वेश्चन गलत है, क्योंकि अपन को पहले ही दे लिया कि अपन को वेरीफाई करना है। इट मीन्स ये तो जीरोस तो है ही है, सिर्फ अपन को क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो बुक के अंदर जो सेकेंड क्वेश्चन है वो मैं लिख दे रहा हूं, ये फर्स्ट हो गया यहां पे सॉल्व, सेकंड क्वेश्चन है वो मैं लिख दे रहा हूं। बुक के अंदर सेकंड क्वेश्चन बोलता है पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस पाई, फाइव एक्स माइनस पाई, और यहां पे एक्स की वैल्यू क्या है, फोर बाई फाइव, एक्स इज इक्वल टू फोर बाई फाइव। ठीक है, तो अपन को वेरीफाई करना है कि ये इसका जीरोस है या नहीं है। तो कैसे करेंगे, ये देखो सॉल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल क्या हो गया, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव एक्स माइनस फाइव। ठीक है, पॉलिनोमियल अपना है फाइव एक्स माइनस फाइव। अब देखो अपन को x की वैल्यू क्या रखनी है, एट x इज इक्वल टू फोर अपॉन फाइव, x की वैल्यू अपन को क्या रखनी है इसके अंदर, फोर अपॉन फाइव। तो चलो पुट करते हैं x की वैल्यू फोर अपॉन फाइव, पी एक्स इज इक्वल टू फाइव इंटू x की जगह यहां पे फोर अपॉन फाइव लिख देना। ठीक है, P की वैल्यू 4 अपॉन 5 पे क्या हो जाएगी, 5 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 4 अपॉन 5 माइनस 5। ठीक है, सो P 4 अपॉन 5 इज इक्वल टू, अब देखो 5 इंटू 4 अपॉन 5 है अपने पास, तो ये 5 से ये 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा वन टाइम कैंसिल होगा। अब देखो यहां अपने पास बच जाएगा सिर्फ 4, क्यों, ये 5 इंटू 4 अपॉन 5 है, तो 5 से 5 तो कैंसिल हो गया 1 अपॉन 1 टाइम्स, तो 4 अपॉन 1 बचा अपने पास, तो 4 अपॉन 1 क्या होता है, 4 ही होता है। माइनस पाई की वैल्यू क्या होती है, अपन पाई की दो वैल्यूज लेते हैं, यूज करते हैं जो जनरली, एक तो 22 अपॉन 7 और सेकेंड वैल्यू क्या यूज करते हैं, 3.14। तो यहां पे फ्रैक्शन में नहीं है, यहां पे नॉर्मली होल नंबर में है, तो इसकी वैल्यू अपन 3.14 यूज करेंगे, तो रख देंगे 3.14। ठीक है, तो P 4 by 5 की वैल्यू क्या आ जाएगी, P 4 by 5 की वैल्यू आ जाएगी 0.86। जब 4 में से अपन 3.14 माइनस करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.86। अब P की वैल्यू 0.86 आ रही है, इसका मतलब ये जो 4 बाई 5 है इसका जीरोस नहीं है। जीरोस कब होता है, जब इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू अपने पास क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। सो यहां पे हम लिखेंगे, सो दिस इज नॉट अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल,
ये क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। जीरोस क्या होते हैं, जो वेरिएबल की वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो हो जाती है, ठीक है। तो इस वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो नहीं हो रही है, 0.86 आ रही है, इसका मतलब ये दिस इज नॉट अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये जो 4/5 है इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकेंड अपन ने सॉल्व कर लिया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको नोट कर सकते हैं। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, जो बुक के अंदर थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एंड x की वैल्यू क्या दे रखी है, वन एंड माइनस वन, ठीक है। ये अपने पास पॉलिनोमियल है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब p के ब्रैकेट में x क्यों दे रखा है, ये मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है, जो वेरिएबल यहां पे होगा उसी को अपन ब्रैकेट में लिखेंगे। सो px की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस वन और x की यहाँ पे वेरिएबल की अपन को दो वैल्यूज दे रखी है, ठीक है। तो इसका मतलब अपन को दो वैल्यूज पे ये पॉलिनोमियल प्रूफ करना है, ठीक है। तो करते हैं, देखो ये इसके जीरोस है या नहीं है, दो वैल्यूज पे अपन इसको प्रूफ करेंगे। सबसे पहला लिख लो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। px अपन ने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब देखो सबसे पहले एट कहां पे, अपने पास दो वैल्यू है वन एंड माइनस वन, तो सबसे पहले अपन वन पे लेते हैं, x इज इक्वल टू वन एट x इज इक्वल टू वन, x की वैल्यू वन पे लेते हैं px की वैल्यू, तो यहां पे px की वैल्यू हो जाएगी, px की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी x की वैल्यू क्या है वन है, तो वन का स्क्वायर, ठीक है, और माइनस वन, सो यहां पे माइनस वन, सो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन का स्क्वायर क्या होता है वन एंड माइनस वन, ठीक है, वन का स्क्वायर वन और माइनस वन का माइनस वन, तो px की वैल्यू हो जाएगी वन माइनस वन, वन माइनस वन क्या होता है जीरो, वन माइनस वन हो जाएगा जीरो, तो यहां px की वैल्यू अपने पास जीरो आ जाएगी। तो अपन क्या लिखेंगे कि दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ, दिस इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, तो वन क्या है वन तो इसका जीरोस है, सो एस एक्स इज इक्वल टू वन इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अपन चलते हैं सेकेंड की तरफ, जो कि है एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। पहले अपन एक्स इज इक्वल टू वन पे लिया और अब लेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे, तो वही देख लो पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, पी एक्स की वैल्यू ये है अपने पास एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन पे लेना अपन को, क्या करेंगे पी एक्स की जगह रख दो माइनस वन, पी माइनस वन यानी पी की पॉलिनोमियल की वैल्यू माइनस वन पे क्या हो जाएगी एक्स स्क्वायर यानी माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, माइनस वन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रखना है तो एक्स की वैल्यू माइनस वन है तो माइनस वन का स्क्वायर माइनस वन, तो पी माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन का स्क्वायर। अब देखो जब अपन प्लस के वन का स्क्वायर करते हैं तो भी प्लस का वन आता है और अगर माइनस के वन का स्क्वायर करेंगे तो भी क्या आएगा प्लस का वन ही आएगा, तो माइनस वन का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का वन, ठीक है,
और पीछे अपने पास क्या बचा माइनस वन, तो p एट माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी वन माइनस वन, वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई जीरो हो गई। तो अपन बोल सकते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस वन पे भी ये पॉलिनोमियल का क्या होगा जीरो। सो एट x इज इक्वल टू माइनस वन, सो x इज इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल नोमियल। x इज इक्वल टू माइनस वन क्या है इस पॉलिनोमियल का जीरोज है, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आ रही है। और x इज इक्वल टू वन भी क्या था इस पॉलिनोमियल का जीरोज था, क्योंकि यहां पे भी इसकी वैल्यू क्या आती जीरो आ रही थी। तो ये क्वेश्चन थर्ड का थर्ड वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको लिख सकते हैं। इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है बुक के अंदर वो कहता है, फोर्थ क्वेश्चन बोलता है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन सॉरी और x माइनस टू, और x की वैल्यूज अपन को दे रखी है एट माइनस वन एंड टू, माइनस वन एंड टू। तो ये अपन को x के लिए दो वैल्यूज पे अपन को फाइंड करना है कि इसके जीरो थे। तो इसका ऐसे ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखो अब सबसे पहले अपने पास पी एक्स क्या है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ये अपने पास पी एक्स है और एक्स की हमारे पास वेरिएबल की दो वैल्यूज दे रखी है। तो पहले सबसे पहले अपन फर्स्ट वाली वैल्यूज लेते हैं एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू क्या लेते हैं माइनस वन लेते हैं। तो पी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी पी एक्स की जगह अपन माइनस वन पुट कर दें, ठीक है इज इक्वल टू एक्स प्लस वन है अपने पास, ठीक है तो माइनस का वन प्लस वन, ठीक है एक्स प्लस वन है तो माइनस का वन प्लस वन, फिर एक्स माइनस टू तो माइनस का वन माइनस टू, एक्स की जगह अपन ने माइनस का वन रख दिया और माइनस माइनस टू। तो यहां देखो पी माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन और प्लस वन दोनों क्या हो जाएंगे, देखो माइनस का वन प्लस प्लस का वन, तो प्लस का वन माइनस वन क्या हो जाएगा जीरो, ठीक है प्लस का वन और माइनस का वन क्या हो जाएगा जीरो। और मल्टीप्लाई यहां पे देखो माइनस का वन और माइनस का टू, माइनस का टू और माइनस का वन मिलके हो जाएगा माइनस का थ्री। लेकिन यहां पे देखो जीरो है अपने पास ये मल्टीप्लाई में, मीन्स जीरो को आप किसी भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा जनरली जीरो ही आएगा। तो पी माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी जीरो, जीरो को जब अपन ने माइनस के थ्री से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ गया जीरो। तो पी माइनस वन की वैल्यू हो जाएगी जीरो। सो अपन क्या क्या बोल सकते हैं कि ये एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इसका जीरोस है। सो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। एक्स इज इक्वल टू माइनस वन जो है इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। सेकेंड अपन को प्रूफ करना है एक्स इज इक्वल टू टू पे, ठीक है तो सिंपल सा अपना जो पी एक्स है क्या है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू, ठीक है एक्स प्लस वन और एक्स माइनस टू। तो यहां से अब लिखेंगे एट एक्स इज इक्वल टू टू पे, एक्स इज इक्वल टू टू पे अपन को वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स इज इक्वल टू अपन ने लिख दिया टू, वैल्यू पुट कर दो पी ब्रैकेट एक्स की जगह लिख दो टू इज इक्वल टू
x प्लस वन, तो x की जगह टू प्लस वन, x प्लस वन तो टू प्लस वन, और ब्रैकेट x माइनस टू, तो क्या लिख देंगे टू माइनस टू। ठीक है, अब यहां पे इसके आगे सॉल्व करेंगे तो p टू पे वैल्यू आ जाएगी, टू प्लस वन क्या हो जाएगा थ्री, और मल्टीप्लाई टू माइनस टू, टू माइनस टू क्या हो जाएगा जीरो, जब टू में से टू माइनस करेंगे तो हो जाएगा जीरो। तो यहां पे p टू की वैल्यू क्या आ रही है थ्री इंटू जीरो, जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा जीरो, तो थ्री इंटू जीरो क्या हो गया जीरो। तो p एट टू पे भी वैल्यू क्या आ गई जीरो, इसका मतलब ये x इज इक्वल टू टू भी इसका क्या है ये जीरो है। सो x इज इक्वल टू टू इज ऑल्सो जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, क्या है x इज इक्वल टू टू भी इस पॉलिनोमियल का जीरोस है, क्योंकि यहां इसको वैल्यू पुट करने पर भी पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो अपने पास आ जाती है। ठीक है, तो देखो कब अपने पास दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कभी तो अपन को इसके जीरोस फाइंड करने को बोला जाता है, अगर अपन को सीधा सा ये पॉलिनोमियल दे दिया और बोलते हैं कि इसके जीरोस फाइंड करो, यानी वेरिएबल की वैल्यू अपन को फाइंड करनी होती है, तो क्या करते हैं अपन पीएक्स की वैल्यू जीरो रख के वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं। बट ऐसे क्वेश्चंस में वेरिएबल की वैल्यू दे रखी है और अपन को सिर्फ वेरीफाई करना है कि ये जीरोस है कि नहीं है, तो इसका मतलब अब इसकी वैल्यू अगर जीरो आ जाती है तो ये जीरोस है, और अगर जीरो वैल्यू नहीं आती है तो ये जीरोस नहीं है। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो है फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फिफ्थ अपने पास है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स इज इक्वल टू दे रखा है जीरो। ठीक है, पी एक्स इज इक्वल टू दे रखा है एक्स स्क्वायर और एक्स की वैल्यू अपन को दे रखी है जीरो। तो ये सिंपल सा है, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये देखो सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन सिंपल सा हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल की एक ही वैल्यू इसमें, तो लिख दो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पे, एक्स इज इक्वल टू पे जीरो पे क्या हो जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, सो एक्स की जगह जीरो लिख दो। ठीक है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा जीरो का स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर का क्या मतलब हो जाएगा जीरो का स्क्वायर, तो पी जीरो की वैल्यू हो जाएगी, जीरो का स्क्वायर क्या होता है जीरो, तो पी जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो। ये अपना सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, तो इसके नीचे अपन लिख देंगे सो दिस इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये क्या है इस पॉलिनोमियल का एक जीरोस है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। अब अपन चलते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। सिक्स क्वेश्चन जो हमारा है वो है पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, एल एक्स प्लस एम एंड एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एल माइनस एम अपॉन एल माइनस एम अपॉन एल। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन दे रखा है। अब सबसे पहले तो यहां पे एक चीज ध्यान रखने वाली होती है कि यहाँ पे x तो दे रखा है लेकिन l और m भी दे रखा है, तो जैसा आप कहोगे कि सर ने कहा था जहां पे अल्फाबेटिक आ जाता है तो वो वेरिएबल्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे l एंड m वेरिएबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये कांस्टेंट की फॉर्म में दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ वेरिएबल क्या हो जाएगा x, कैसे पता चला अपने को,
क्योंकि p और ब्रैकेट में क्या दे रखा है, x दे रखा है, तो जो वेरिएबल होता है वही उसके ब्रैकेट पॉलिनोमियल के ब्रैकेट में दे रखा है, मैंने पहले बताया था, ठीक है। तो जब यहां ब्रैकेट में x दे रखा है इसका मतलब इस क्वेश्चन में वेरिएबल सिर्फ x है, ठीक है। तो l और m यहां पे क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट की फॉर्म में शो हो रहे हैं, और x की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का m अपॉन l। तो इसको सॉल्व कर देते हैं सिंपल सा सॉल्यूशन, क्या कहेंगे, px, px की वैल्यू अपने पास है lx प्लस m, ठीक है, lx प्लस m है अपने पास। x की वैल्यू क्या रख देंगे अपन, एट x इज इक्वल टू माइनस का m अपॉन l, अपन को क्या x इज इक्वल टू माइनस का m अपॉन l रखना है, तो p माइनस का m अपॉन l, यहां पे x की जगह अपन ने क्या रख लिया, माइनस का m अपॉन l, तो इसके ऊपर p की वैल्यू क्या रखेंगे, l इंटू x, फाइंड करना अपन को x, तो x की वैल्यू क्या है, माइनस का m अपॉन l, x की वैल्यू क्या है, माइनस का m अपॉन l प्लस m, सिंपल सा क्वेश्चन है, प्लस m, तो l से l कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स, l से l क्या कैंसिल हो जाएगा वन टाइम्स, तो अपने पास क्या बचेगा, p माइनस का m अपॉन l की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां देखो l एंड l कैंसिल हो गया वन टाइम, तो अपने पास बचा माइनस का m, ओनली क्या बचा, माइनस का m, और आगे क्या है, प्लस का m, ठीक है। तो p एट माइनस का m अपॉन l की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस m प्लस m, ठीक है, माइनस m प्लस m, और माइनस m और प्लस m जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। ये अपने पास सीधा सा आ गया जीरो, तो इसका मतलब ये माइनस एम अपॉन एल क्या है, इसका जीरो है, तो लिख लेंगे लास्ट में, सो दिस इज अ जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज, माइनस का एम अपॉन एल इस पॉलिनोमियल का क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेवन्थ क्वेश्चन है, जो अपना सेवन्थ क्वेश्चन है बुक में, वो बोल रहा है पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, और x की वैल्यूज क्या दे रखी है, एक तो दे रखी है माइनस का वन बाई रूट थ्री, और दूसरी वैल्यू क्या दे रखी है, टू बाई रूट थ्री, टू बाई रूट थ्री, ठीक है। तो ये अपन को प्रूफ करना है कि इन वैल्यूज पे ये पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो, सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, अब जो फर्स्ट वैल्यू है एक्स की वो क्या है, माइनस का वन बाई रूट थ्री, तो एट एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई रूट थ्री, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू माइनस के वन बाई रूट थ्री पे, तो पुट कर लो ये वैल्यू इसमें, पी एक्स पी माइनस वन बाई रूट थ्री, पी एक्स है तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया, माइनस वन बाई रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख लू, माइनस का वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर, ठीक है, माइनस वन, तो p माइनस वन बाई रूट थ्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो थ्री का थ्री इंटू, अब देखो वन बाई माइनस वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, माइनस का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस होता है,
अपन को पता है जब कोई भी नंबर को अपन माइनस का नंबर होता है इसका स्क्वायर करते हैं तो किस में आता है, प्लस में आता है। तो सबसे पहले तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी प्लस में। अब देखो वन बाई रूट थ्री का स्क्वायर करना है तो पहले करो वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, वन का स्क्वायर वन ही होता है और अपॉन, अपॉन में रूट थ्री, अंडर रूट थ्री का स्क्वायर क्या होता है वो होगा थ्री। ठीक है, यहां पे ये ऐसे नहीं समझ में आ जाता है तो मैं उस साइड में थोड़ा करके बता देता हूं इसको सॉल्व। जैसे अपन को दे रखा है माइनस वन बाय रूट थ्री का स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे अपन टू टाइम्स लिख ले, माइनस वन बाय रूट थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन बाय रूट थ्री। ठीक है, तो अब देखो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और जब न्यूमिनेटर वन है और ये भी वन है वन इंटू वन करेंगे तो वन, एंड रूट थ्री इंटू रूट थ्री करेंगे तो थ्री। तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपने पास, प्लस का वन बाई थ्री, जो मैंने डायरेक्ट यहां लिखा है प्लस का वन बाई थ्री। ठीक है, तो ये ऐसे इसकी वैल्यू आई, ये आ गई, और अब लिखेंगे माइनस का वन, जो पीछे बचा है माइनस का वन माइनस का वन। अब देखो ये थ्री है और ये वन बाई थ्री है तो थ्री से थ्री क्या हो जाएगा वन टाइम कैंसिल हो जाएगा थ्री से थ्री, तो अपने पास क्या बचेगा पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू, यहां पे वन अपॉन वन बचा तो वन अपॉन वन की वैल्यू क्या होती है वन ही होती है और माइनस का वन। ठीक है, माइनस वन, तो पी माइनस वन अपॉन रूट थ्री की वैल्यू आ जाएगी वन माइनस वन, वन माइनस वन की वैल्यू क्या होगी जीरो, तो यहां पे इसकी वैल्यू आ जाएगी जीरो। तो जब इसकी वैल्यू जीरो आ गई इसका मतलब ये पॉलिनोमियल का जीरोस है, तो यहां पे लाइन लिख देंगे सो दिस इज अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो सबसे पहले अपने किस वैल्यू के लिए फाइन करा था, माइनस का वन अपॉन रूट थ्री के लिए, तो माइनस का वन अपॉन रूट थ्री क्या है इसका एक जीरोस है। अब अपन सेकेंड वैल्यू लेते हैं टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, तो यहां पे पॉलिनोमियल लिख देता हूं मैं पी एक्स इज इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब वैल्यू क्या लेता हूं टू अपॉन रूट थ्री, तो टू अपॉन रूट थ्री जब मैं लूंगा एट एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री। ठीक है, टू अपॉन रूट थ्री पे क्या हो जाएगा पी एक्स की जगह टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू थ्री इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा टू अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, जो माइनस वन रहा वो माइनस वन। अब देखो पी टू अपॉन रूट थ्री इज इक्वल टू क्या आएगा थ्री इंटू, अब देखो टू अपॉन रूट थ्री का अपन को स्क्वायर करना है। ठीक है, तो टू का स्क्वायर क्या हो गया फोर और रूट थ्री का स्क्वायर क्या हो गया थ्री, अंडर रूट थ्री को जब अंडर रूट थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा थ्री और माइनस का वन, माइनस का वन तो है ही है। ठीक है, तो पी टू अपॉन रूट थ्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, अब ये देखो थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा वन टाइम। ठीक है, थ्री से थ्री कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, अपने पास क्या बचेगा फोर अपॉन वन, फोर अपॉन वन की वैल्यू क्या हो जाएगी फोर और माइनस का वन तो है माइनस का वन। चलो यहां पे एक चीज और है कंफ्यूजिंग, ये हर क्वेश्चन में आता है, तो यहां पे ये कंफ्यूज मत होना कि कोई स्टूडेंट सोचेगा कि फोर अपॉन थ्री माइनस वन है तो मैं पहले इसको सॉल्व कर दू फोर अपॉन थ्री माइनस वन को और फिर उसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दू। ठीक है, तो ये गलत होगा, क्यों होगा, क्योंकि अपन ने बोर्ड मास का रूल पढ़ा है, बोर्ड मास के रूल से अपन को पहले मल्टीप्लीकेशन होता है और उसके बाद में सब्ट्रैक्शन होता है, तो पहले अपन को मल्टीप्लाई वाली टर्म को सॉल्व करना है उसके बाद सब्ट्रैक्शन वाली टर्म को सॉल्व करना है। तो यहां पे इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पी टू अपॉन रूट थ्री की वैल्यू आ जाएगी फोर माइनस वन, तो फोर माइनस वन क्या हो जाएगा थ्री, तो यहां पे इसकी वैल्यू थ्री आ गई विच इज नॉट अ जीरो।
ठीक है, यहां पे अपन को वैल्यू जीरो फाइंड करनी थी, जीरो नहीं आई, तो ये क्या होगा, इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं होगा। तो इसके नीचे अपन लिखेंगे सो एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री इज नॉट अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक्स इक्वल टू टू अपॉन रूट थ्री इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे इसकी वैल्यू जीरो नहीं आ रही, यहां पे इसकी वैल्यू थ्री आ रही थी। ठीक है, तो ये अपने पास क्वेश्चन सेवंथ का सॉल्यूशन हो गया, थर्ड क्वेश्चन के सेवंथ का सॉल्यूशन हो गया। अब अपन चलते हैं जो इसका लास्ट है थर्ड क्वेश्चन का, वो है थर्ड का एट, एट क्वेश्चन अपन करते हैं। जो एट क्वेश्चन दे रखा है वो है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन एंड एक्स की वैल्यू दे रखी है वन बाई टू। यह तो सिंपल सा क्वेश्चन है, यहां पे एक्स की वैल्यू वन बाई टू दे रखी है और सिंपल सा एक पॉलिनोमियल दे रखा है, सॉल्यूशन कर दो इसको। क्या सॉल्यूशन करेंगे, पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन, ठीक है, पॉलिनोमियल की वैल्यू है टू एक्स प्लस वन, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे वन बाई टू, तो एट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू पे, तो वन बाई टू इसमें पुट कर दो, पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पी एक्स है तो एक्स की जगह वन बाई टू इज इक्वल टू टू इंटू एक्स, टू एक्स है तो टू इंटू एक्स, तो टू इंटू एक्स यानी एक्स की जगह लिख देंगे अपन वन बाई टू, ठीक है, प्लस वन, ये अपना क्वेश्चन हो गया टू एक्स प्लस वन है, तो टू इंटू एक्स की जगह अपन ने वन बाई टू लिख दिया और प्लस का वन है, ठीक है, तो टू से टू हो जाएगा कैंसिल वन टाइम, तो अपने पास क्या बचेगा, पी वन बाई टू की वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन वन, वन अपॉन वन की वैल्यू क्या होती है वन प्लस वन, तो यहां पे पी वन अपॉन टू की वैल्यू हो जाएगी वन प्लस वन, वन प्लस वन क्या हो जाएगा टू, तो यहां पे इस पॉलिनोमियल की वैल्यू वन बाय टू पे हो गई टू। इसका मतलब क्या, ये इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, अगर इसकी वैल्यू जीरो आती तो ये पॉलिनोमियल का जीरोस होता, तो यहां लिख सकते हैं सो दिस इज नॉट अ जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या लिख सकते हैं, यह इस पॉलिनोमियल का जीरोस नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ये क्वेश्चन था, अपना थर्ड क्वेश्चन था जिसके अंदर अपन को वेरीफाई करना था कि ये पॉलिनोमियल के जीरोस है या नहीं है। इसमें एट क्वेश्चन थे, वो सारे अपन ने सॉल्व कर लिए। अब अपन चलते हैं हमारे बुक का जो फोर्थ क्वेश्चन है उसकी तरफ। फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है फाइंड द जीरोस, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्या बोल रहा है हमारा क्वेश्चन कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल दे रखा है इसके अपन को जीरोस फाइंड करने हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। जो केसेस दे रखे हैं इसके अंदर अपन को इसके जीरोस फाइंड करने, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है अपना, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है, पी एक्स क्या दे रखा है एक्स प्लस वाई। जब तो मैंने बताया था कि दो टर्म्स होती है, एक तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल और एक होती है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जब अपन को वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करनी होती है तब वेरिएबल की वैल्यू अपन को दे रखी होती है और पी एक्स की वैल्यू अपन को फाइंड करनी होती है, और जब अपन को जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करना होता है तो
तो px की वैल्यू अपन को जीरो रखनी होती है और वेरिएबल की वैल्यू क्या करनी होती है, फाइंड करनी होती है। तो अपन को इसके जीरोस फाइंड करने हैं, इसका मतलब वह वैल्यू वेरिएबल की, वो वैल्यू जिसके ऊपर पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो होगी। तो अपन पॉलिनोमियल की वैल्यू पहले से ही जीरो पुट कर लेते हैं और वेरिएबल की वैल्यू क्या कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। सो अपना क्वेश्चन है px इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, जीरोस फाइंड करने हैं तो px की वैल्यू रख दो जीरो इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। तो अपन को वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो फाइव है प्लस का है, इस साइड आएगा तो हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा, जीरो माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स। अब जीरो माइनस फाइव क्या हो जाएगा, माइनस का फाइव इज इक्वल टू एक्स, या मैं इसको ऐसे लिख दू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। तो इसका जीरोस क्या हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस फाइव। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में माइनस फाइव रख दू x की जगह, तो px की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी है, वन लाइनर क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन अपना बोल रहा है px इज इक्वल टू x माइनस फाइव, ठीक है, कोई बात। ये जो क्वेश्चन था इसका सी उल्टा दे दिया, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, px अपने पास क्या है, x माइनस फाइव, ठीक है। अपन को इसके जीरोस फाइंड करने हैं, तो px की वैल्यू रख दो जीरो x माइनस फाइव, ठीक है। अब ये यहां पे फाइव जो है माइनस का है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, ट्रांसपोजिंग मेथड से जीरो प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स, और जीरो प्लस फाइव क्या हो जाएगा, फाइव इज इक्वल टू एक्स, और यहां पे मैं क्या लिख दू इसको, एक्स इज इक्वल टू फाइव। तो ये क्या हो गया, अपना आंसर हो गया, ये हो गया इसका जीरोस, ठीक है। अगर ये फाइव अपन x की जगह रख लेंगे इस पॉलिनोमियल में, तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। सो ये क्या बोलेंगे हम, कि ये जो x इज इक्वल टू फाइव है, इस पॉलिनोमियल का जीरोस हैं। अब चलते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन की तरफ। जो बुक के अंदर थर्ड क्वेश्चन दे रखा है वो है px इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, px इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, ठीक है। 2x प्लस फाइव पे अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है, इस पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड करने हैं। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो जाएगा, px इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव, px की जगह जीरो रख दो क्योंकि अपन को जीरोस फाइंड करने हैं। फिर अपने पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस फाइव, 2x प्लस फाइव। अब यहां पे ये फाइव जो है वो प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, ट्रांसपोजिंग मेथड से जीरो माइनस फाइव की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2x, ठीक है। जीरो माइनस फाइव की वैल्यू 2x। अब देखो जीरो माइनस फाइव हो गया, माइनस का फाइव इज इक्वल टू 2x, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस फाइव अपॉन टू। ये जो टू है ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, माइनस फाइव अपॉन टू। तो यहां से ये अपने पास आ गया एक्स की वैल्यू, तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का जीरोस होगा माइनस फाइव बाई टू। अगर हम एक्स की जगह माइनस फाइव बाई टू रख दें तो ये इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, जीरो। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। px इज इक्वल टू थ्री एक्स माइनस टू, px इज इक्वल टू क्या है, थ्री एक्स माइनस टू। सो इसका अपन सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, px की जगह जीरो रख देंगे इज इक्वल टू
3x माइनस 2, ठीक है, 3x की जगह अपन 0 रख देंगे इज इक्वल टू 3x माइनस 2। तो अब ये 2 है, माइनस का है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहां अपन लिखेंगे 0 प्लस 2, 0 प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 3x। तो अपन को फाइंड करनी है x की वैल्यू, 0 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 3x। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2/3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, वो है px इज इक्वल टू 3x। सो इसका सोल्यूशन करते हैं, px इज इक्वल टू 3x अपन को फाइंड करना है। तो px की वैल्यू अपन क्या रख देंगे, 0, 0 इज इक्वल टू 3x। फाइंड अपन को करनी है x की वैल्यू। तो ये देखो, यहां पे ये जो 3 है ये x के मल्टीप्लाई में है, अगर इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, 0/3 इज इक्वल टू एक्स। तो 0/3 किसी भी नंबर को अगर 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 ही आएगी। अगर 3/0 होता तो इसकी वैल्यू 0 नहीं आती, बट अपन 0/3 है तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। तो यहां पे x की वैल्यू मैं क्या लिख दूं, 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो ये 0 इसका क्या हो गया, 0। अगर ये 0 मैं यहां x की जगह पुट कर दूं तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अब अपन चलते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ। सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन है वो बोल रहा है px इज इक्वल टू ax। और एक कंडीशन दे रखी है हमारे क्वेश्चन में, वो है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये कंडीशन दे रखी है कि px इज इक्वल टू ax और a इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, मतलब उन पर x की वैल्यू फाइंड करनी है लेकिन a 0 नहीं है। तो सॉल्यूशन लिख दो इसका, सिंपल सा सॉल्यूशन हो जाएगा, px की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन, 0 इज इक्वल टू ax, x की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। तो a क्या है, a को अपन ट्रांसपोज कर देंगे, मल्टीप्लाई में है तो a किस में आ जाएगा, डिवाइड में, 0/a इज इक्वल टू x हो जाएगा। तो 0/a मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी नंबर में, 0 के अंदर किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो क्या आंसर आता है, 0 ही आता है। यहां पे कंडीशन दे रखी a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाता तो 0/0 हो जाता, जिसको अपन डिफाइन नहीं कर सकते। तो a 0 नहीं है, इसका मतलब कोई भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इट मीन 0 में अगर किसी भी नंबर का डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा। तो x की वैल्यू यहां क्या हो जाएगी, 0। ये हो गया सिक्स्थ क्वेश्चन। अब जो लास्ट क्वेश्चन है सेवन्थ क्वेश्चन, वो मैं लिख दे रहा हूं। सेवन्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, px इज इक्वल टू cx प्लस d, px इज इक्वल टू cx प्लस d, वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स, ठीक है। तो कंडीशन लिखी है यहां पे, c इज इक्वल टू नॉट 0, नॉट इक्वल टू 0 एंड c एंड डी आर रियल नंबर्स। सी एंड डी क्या है, रियल नंबर्स है, ठीक है। तो यहां पर देखो, ये क्वेश्चन में फिर से बोल रहा हूं कि सी एंड डी आ गए तो अपन सोचेंगे कि सी एंड डी वेरिएबल्स है, लेकिन ये वेरिएबल नहीं है, ये यहां पे कांस्टेंट का काम कर रहे हैं। वेरिएबल क्यों नहीं है, क्योंकि अपन को पी एक्स दे दिया, मतलब इस क्वेश्चन में वेरिएबल एक ही है। कौन सा वेरिएबल है, x, ठीक है, एक ही वेरिएबल है x। तो यहां पे c और d क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। और अब ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है c एंड d आर रियल नंबर्स। रियल नंबर मतलब क्या होते हैं, जो न्यूमेरिकल वैल्यू,
तो यहां पे देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन पी एक्स की जगह अपन जीरो रख देंगे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सी एक्स प्लस डी, जीरो रख दिया। अब ये डी है इधर प्लस का है, इसको ट्रांसपोज इस साइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का, तो क्या हो जाएगा जीरो माइनस डी इज इक्वल टू सी एक्स। ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है अपन को, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, इट मींस जीरो माइनस डी करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का डी, किसी भी नंबर को जीरो में से माइनस करते हैं तो वो नंबर माइनस का हो जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा जीरो माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का डी इज इक्वल टू सी एक्स। अब ये जो सी है एक्स के मल्टीप्लाई में है, इसको ट्रांसपोज करेंगे इस साइड तो ये किस में आ जाएगा डिवाइड में, तो यहां पे अपने पास वैल्यू आ जाएगी माइनस डी अपॉन सी इज इक्वल टू एक्स, या फिर इसको मैं लिख दूं एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी, तो ये एक्स की वैल्यू हो गई माइनस डी अपॉन सी। इस अगर क्वेश्चन में पॉलिनोमियल में एक्स की जगह अगर मैं माइनस का डी अपॉन सी पुट करूंगा तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी। तो ये हमारे फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.2 भी पूरी कंप्लीट हो गई। सो नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम उसका बेसिक पढ़ेंगे, उसके अंदर कुछ थ्योरम्स हैं 2.3 के, एक्सरसाइज 2.3 के रिलेटेड, तो वो अपन पहले पढ़ेंगे और उससे अगले वीडियो में अपन एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करेंगे। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।